अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और अभी हम सब आए हैं, मेरी जो बहन और भाई और अम्मी पापा आगे आ गए हैं, हम लोग पीछे पीछे बच्चों के साथ हैं। तो मैंने कहा अपना व्लॉग यहीं से शुरू करो। हम लोग आए हैं यहाँ पर अट्रैक्शन पार्क वार्नर ब्रॉस के, मैड्रिड में है ये, बहुत अच्छी जगह। यहाँ हम पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। सो बच्चों के साथ हो आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर बच्चे जाके इंजॉय करें, और पार्क से ज़्यादा अच्छी जगह और कोई हो नहीं सकती जहाँ पे बच्चे जाके एंजॉय करें। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। एंड बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, शाम को शोज़ होते हैं बहुत अच्छे वाले। सो हम लोग अब जस्ट जल्दी जल्दी से जाके टिकट्स लेने लगे हैं, बिकॉज़ लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी वाली। सो टिकट लेके तो फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं। मैं आपको एक लुक इसकी दिखा देती हूँ कि ये एक्चुअली वो एक लेडी है, वो कह रही थी आए फ़ोटो खिंचवा लें, और जो राइड्स हैं उनका टेस्ट चल रहा है, हाल ही ऊपर नीचे उनको लेके जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा थकावट है, रात को बिल्कुल सही नींद भी नहीं आई। और मैं आपको दिखा दूँ, आपको शायद मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा वो वार्नर ब्रॉस, और ये सारी, ये देखें पीछे लाइन लगी हुई है हर तरफ। सो अभी जस्ट टिकट लेके हम लोग अंदर जाने लगे हैं। कोई नहीं अभी मैं और मोमिना हम लोग बाहर हैं, रयान अब और उसके डैडी और बाकी सारे गए हैं, ये एक स्कूबी डू वाली राइड है वो लेने के लिए। और मोमिना अनफॉर्चुनेटली किसी भी राइड पे नहीं जा सकती, सो मैं बाहर इसको फीड करवा रही थी और साथ उनका वेट कर रही हूँ कि वो आज इसने फीड ले ली है तो वो अभी तक बाहर नहीं आया। मैं इतना सैड फील कर रही हूँ कि रयान की पहली राइड है और मैं उसको वो उसके साथ वो वाली चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रही। तो मोमिना जो है उसने पी लिया दूध, और अब वो कहती है जस्ट मुझे गोदी में लो, मैंने लेटना नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करना। ये सबसे पहली राइड जो किसी भी आप अट्रैक्शन पार्क में जाओ, मोस्टली ऐसा ही होता है कि सबसे पहले बहुत छोटे बच्चों वाली राइड्स आती हैं और उसके बाद फिर बहुत ही ख़तरनाक किस्म की राइड्स आना शुरू हो जाती हैं। सो मैं जस्ट अब बाहर हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। मिठी इधर देखो, मोमिना जी देखो, जी देखो मिठी, मोमिना अपने ही जोन में है। सो हम दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं जो कि बच्चों के लिए है। दिल खराब हो रहा है, इनका दिल खराब हो रहा है। रेयान एक्चुअली हमें फोर्सफुली लेके आया कि चलो चलो, तो खुद वो खाला के साथ बैठ गया और अब हमें सेपरेटली यहाँ पे बैठना पड़ा है। लेकिन बच्चों वाले जो राइड्स हैं वो तो अच्छे हैं कि हम लोग ले लेते हैं, दूसरे वाले राइड्स बहुत डिफिकल्ट। मुझे पहले डर नहीं था लगता शादी से पहले, लेकिन अब मुझे डर लगता है। सो अभी जस्ट ख़त्म हो गया ये, अभी बस बाहर निकलेंगे, मम्मी ना अम्मी के पास है।
रेयान ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वाली है। सो जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, हम लोग शॉक वेव पे आए हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं जाना नहीं चाह रही, लेकिन मौजम और मेरी जो बहन है वो मुझे फोर्स कर रहे हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो मैं अब सोच रही हूँ क्या करूँ। दोनों बच्चे सो गए हैं, सो लेट्स सी। Thank you.
अभी पार्क से हम लोग ख़त्म हो गए हैं, बहुत इंजॉय किया है, मगरिब का टाइम हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फैमिली के साथ थोड़ा ऐसे टाइम स्पेंड करना वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा, कैसा लगा फिर आज? बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छी लगी, सबसे ज़रा स्केरी राइड थी मेरी तो जान निकल गई थी उसमें। यहाँ पे हल्की सी मेरा मसल भी स्टिफ हो गया है, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत फियर था। उन्होंने लिखा हुआ था कि जो जिनको ज़्यादा फियर फील होता है वो ना आए राइड ना लें, लेकिन मैंने फिर भी ली। और एंड पे एक शो था इनका, शो बहुत अच्छा था, वो पुलिस और चोर वाला शो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया उसको देख के। पैसा वसूल, मतलब ऐसा लगा कि हमने जो पैसे दिए हैं टिकट के, थोड़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी थी, 46 यूरोस पर पर्सन के हिसाब से हैं और 100 सेंटीमीटर से जो भी बच्चे छोटे हैं वो फ्री हैं। सो लेकिन जो हमने पैसे दिए हैं वो अब लगता है कि मतलब पैसा वसूल, या वो शो बहुत अच्छा था, राइड्स भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट टाइम फिर आएं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते से रुक के कुछ खाने का प्लान है, देखो क्या बनता है, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी।